हेलो गाइस, अनुभास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि मैं नए नए वीडियो डालूं तो आप तक सीधा पहुंच सके। तो गाइस, देख सकते हो ये पाटुलिका, पोर्चुलिका, 9 o'clock, मोस रोज, जो भी आप बोलते हो। तो देख सकते हो किस तरह से मेरे जो ये फूल है किस तरह से खिले हुए हैं, और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हो किस तरह से। इससे पहले भी मैंने आपको शेयर किया था कौन सा मैंने फर्टिलाइज़र डाला था। तो देखिए, ये बरसात अब शुरू हो गई है, गर्मियों में तो इतने फूल नहीं खिल रहे थे, लेकिन बरसात में देखिए किस तरह से फूल खिले हुए हैं। ये जो है पूरा पॉट, मतलब पूरा ही ये भरा हुआ है। तो अगर आपके पोर्चुलिका पर, मॉस रोज पर अगर कलियां नहीं बन रही, न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उसके कौन कौन से कारण है और कौन कौन से फर्टिलाइज़र देना है, आप लोगों से मैं यही शेयर करूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरे जो मॉस रोज है किस तरह से, इसकी ग्रोथ भी देखिए किस तरह से हरा भरा और किस तरह से बूशी हो रखा है। और कलियां देखिए, हर एक ब्रांच पर कलियां इतनी इतनी आ रखी है और डेली इतने फूल खिलते हैं। तो उसके क्या कारण है अगर आपके मॉस रोज पर अगर ग्रोथ नहीं हो रही है? सबसे पहले तो अगर आपने नया कोई भी अपने प्लांट लगा रखा है, अगर उसकी मिट्टी ठीक नहीं है, मतलब आपने चिकनी मिट्टी पे लगा रखी है, तो उसकी जड़ें जो है फैल नहीं पाती है। इस वजह से जड़ें फैल नहीं पाती है, इस वजह से आपकी जो प्लांट्स है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, और ना ही इसकी जो है पत्तियां है वो भी आपके हरे भरे रहते हैं, ना ही फूल कली आ पाती है। तो अगर आपने चिकनी मिट्टी पर लगा रखी है तो उसे बेलड्रेन सॉइल लीजिए। बेलड्रेन सॉइल जो है पानी डालते ही आपका सीधा ड्रेन आउट हो जाए पैसा, जिसमें कि आपकी मिट्टी के साथ साथ कंपोस्ट मिक्स हो, और जो आपकी बालू मिट्टी होती है, मतलब बालू मिक्स होती है, कोकोपीट है, और बहुत कुछ ऐसे है जिससे कि आपकी मिट्टी जो चिकनी है उससे आपके बेलड्रन बन जाए। तो बेलड्रन बनेगा तो इसकी जड़ें फैलेगी, जड़ें फैलने से इसके जो मतलब ग्रोथ है, ग्रोथ भी अच्छी होएगी, और जो है इसको फैलने का मौका मिलेगा, ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो दूसरा कारण है कि कलियां नहीं बनते। कलियां नहीं बनने के बहुत सारे कारण वैसे होते हैं। वैसे बरसात के समय है तो बरसात में तो ये फूल जो है भर भर के करता है, तो आप देख सकते हो किस तरह से मैं तो थक जाती हूँ इसके जो पुराने फूल है तोड़ तोड़ के, इस तरह से थक जाती हूँ मैं तो, मतलब डेली की डेली इतने सारे फूल खिलते हैं। तो मैंने कौन सा फर्टिलाइज़र दिया वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो ये बताऊँगी कलियाँ नहीं आने के कारण, अगर आपके मतलब प्लांट्स में कलियाँ नहीं बन रही है तो उसके तो मेन एक ही कारण होता है, मतलब एक कारण आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ कि आप जो है पानी ज़्यादा डालते हो। अगर आप ज़्यादा पानी डालती हो अपने मतलब प्लांट में तो उसकी जो सॉइल मतलब है हमेशा गीली रहती है और दलदला बना रहता है। इस वजह से जो आप जितने भी फर्टिलाइज़र डालते हो आपकी जो जड़ें है उसको सोख नहीं पाती है, अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और आपके जो प्लांट्स है प्लांट्स के मतलब ऊपर तक नहीं पहुँचा पाते हैं। इस वजह से कलियाँ भी नहीं बना पाते, ना ही फूल आते हैं। तो यह पानी जो है वो सही ढंग से दीजिए। पानी बरसात के समय है वैसे भी, तो इसे जो है बरसात एक दो घंटे कि मतलब दे सकते हो, लेकिन आप पूरे बरसात इसको बाहर नहीं रख सकते हो। बाहर रखने से इसके जो है जड़ें गल जाती है और जो है फंगस भी लग जाता है, तो ये अच्छा ग्रोथ भी नहीं करता। देखिए, मैंने जो लगा रखा है ये बालकनी में लगा रखा है मैंने, बस इसको एक घंटे की बारिश में रखा था, उसके बाद मैंने बालकनी में रख दिया है। उसके बाद से इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो गई है और जो है कलियाँ फूल भी बहुत अच्छी आने लगे हैं। उसके बाद जो है अगर आप नंबर दो पर इसे आप धूप में रखिए, क्योंकि ये धूप का पौधा है, जितना आप धूप में रखोगे तो इसके जो है फूल और कलियाँ ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसे छाई में रख दोगे तो इसमें फूल कलियाँ नहीं आएंगे, ना ही ग्रोथ हो पाएगी। तो ये जो आपका 9 o'clock है, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब सूरज उगता है तभी ये मतलब फूल कलियाँ मतलब इसके खिलते हैं, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे इसे मुरझा जाते हैं। तो इसे है धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसे पूरे दिन की धूप दे सकते हो। आजकल तो बारिश है, बारिश के बाद जो धूप आती है बहुत अच्छी धूप होती है, तो इसे धूप में रखिएगा। और पानी जो है पानी की मात्रा भी सही ढंग से दीजिएगा। अगर आप पानी सही ढंग से देते हो तो उसके जो है जड़े है वो अच्छी तरह से जो भी आप फर्टिलाइज़र देते हो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो उसके बाद जो है इसे जो है इसकी पुराने जो कलियाँ मतलब फूल खिल चुके हैं उसको तोड़ तोड़ के फेंक देना है। इससे आपकी जो है न्यू ग्रोथ भी आती रहेगी और आपके जो है फूल और कलियाँ है वो भी आपके बनते रहेंगे। बहुत ही अच्छा
बढ़िया मतलब ग्रोथ करता है जब आप इसकी पिंचिंग करते रहते हो। अगर आप पिंचिंग करते रहोगे तो ये जो है ग्रोथ अच्छी होएगी और ये फूल कलियाँ है वो भी आपके ज़्यादा बनते रहेंगे। तो इसके मतलब उसके बाद 10 दिन में एक बार इसके जो है आप कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए या फिर बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में 1 चम्मच घोलकर आप इसके स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि ये इसमें जो है मिलीबग का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता है और बरसात का सीज़न है, वैसे भी फंगस लग जाते हैं। अगर इसमें पानी ज़्यादा हो जाते हैं इस वजह से भी फंगस लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो सॉइल है हम लोग गुराई निराई नहीं कर पाते हैं। देख तो कितना घना होते हैं, इसके रूट जो है ऊपर ऊपर होते हैं, नीचे तक नहीं होते, गहराई तक नहीं जाती है, तो इस वजह से भी जो है इसमें फंगस लग जाते हैं। तो इसे जो मतलब अगर आप सही ढंग से धूप देते हो और पानी सही ढंग से देते हो, क्योंकि ये सकुलेंट परिवार का है तो इसे पानी कम चाहिए होता है वैसे भी, तो आप पानी इसे मतलब मात्रा में दीजिएगा, जब सॉइल सूख जाए तभी आप दीजिएगा, नहीं तो फंगस लग जाएगा। तो हफ्ते में एक बार अगर 10 दिन में एक बार अगर आप स्प्रे करते हो उससे भी इसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है आप फर्टिलाइज़र दे सकते हो, ऐसा फर्टिलाइज़र जिससे कि आपके पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो। पोटाश की मात्रा ज़्यादा होने से आपके जो है फूल और कलियाँ नहीं बन रही है तो फूल और कलियाँ बनना भी स्टार्ट हो जाएगा। पोटाश के कमी से आपके फूल और कलियाँ नहीं बन पाते हैं, पोटाश के वजह से ही हमारे प्लांट्स में फूल कलियाँ बनते हैं। जितने भी मतलब फल वाले फूल वाले मतलब प्लांट्स होते हैं उसमें पोटाश की मात्रा बहुत अधिक चाहिए होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है हमारे प्लांट्स को ग्रोथ प्रदान करती है। अगर हम नाइट्रोजन वाला खाद देते हैं तो उसके ग्रोथ में वृद्धि होती है और जो है आपके मतलब जो प्लांट्स होते हैं उसके मतलब सॉइल रूट जो है रूट को भी मतलब मजबूती देता है। ऑल ओवर ग्रोथ के लिए आपके नाइट्रोजन ठीक है, लेकिन फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए आपके पोटाश की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप लोगों से मैं ऐसा एक फर्टिलाइजर शेयर करूँगी जिसमें कि आपकी पोटाश की मात्रा नाइट्रोजन के साथ साथ पोटाश की मात्रा कैल्शियम आयरन सब कुछ मतलब उसमें होता है। और वैसे भी ये जो प्लांट्स हैं इसमें अगर आप इसकी सॉइल एसिडिक हो तो उससे भी इसके प्लांट जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करता है। तो चलिए शेयर करती हूँ। मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, तो ये जो पानी है इस पानी में मैं मिक्स करूँगी 1 मुट्ठी के करीब, ये है आपकी नीम की खली। नीम की खली डालने से जो आपकी जो फंगस भरा है बरसात के समय है तो फंगस नहीं लगेगा। उसके बाद ये मैंने ले लिया है केले के छिलके। केले के छिलके जो है इसमें आपके पोटाश की मात्रा बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसमें आयरन कैल्शियम और मैग्नीशियम भी बहुत अच्छी पाई जाती है जो आपके प्लांट्स में कलियाँ और फूल बनाएगा। और आप इसे मतलब 15 दिन में या 10 दिन में एक बार अगर देते हो तो आपके जो है प्लांट्स में कलियाँ बनती रहेगी, फूल और ये जो है आपका ग्रोथ अच्छा करता रहेगा। तो हर एक मतलब प्लांट्स को आपको पोटाश की ज़रूरत होती है, तो ये ऑर्गेनिक है घर में हम केले के छिलके से। उसके बाद जो है मैं 1 चम्मच के करीब चाय की पत्ती मिक्स करूँगी, क्योंकि चाय की पत्ती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो इससे जो है इसके प्लांट्स को जो है सॉइल एसिटिक्स भी बनेगी और जो है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होएगी और फ्रूटिंग भी अच्छी होएगी। तो इसे डाल कर 1 चम्मच के करीब आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप जो है 24 घंटे के लिए हम इसको भिगो देंगे। 24 घंटे के बाद भिगोने के बाद फिर इसको छाए वाले जगह में रख देंगे जहाँ पे आपके मतलब धूप ना पड़े और ना ही आपका बारिश का पानी कोई ढक देना है इसको, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, बारिश की वजह से सारे मतलब ऐसे ही हर चीज़ मतलब गीले हो जाते हैं। तो इस तरह से आप मिक्स करके उसके बाद जो है हम इसको प्लांट में अप्लाई करेंगे। तो चलिए तो देखिए गाइस मेरा जो है 24 घंटे के बाद का रिज़ल्ट, ये फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। ये दूसरे दिन का देखिए, दूसरे दिन और ज़्यादा मतलब फूल खिले हैं, देख सकते हो आप। तो देखिए ये जो है फर्टिलाइज़र कितने मतलब आपके अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। तो इसको डाइल्यूट करके देंगे जब भी हम खाद देते हैं। वैसे तो हम गुड़ाई निराई करते हैं प्लांट्स की, लेकिन ये देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है और ना ही मतलब इसके गुड़ाई निराई करने की जगह है। तो इसको हम ऐसे ही मतलब साइड साइड से मतलब उठा के फिर डालेंगे। अगर उसके ऊपर से भी डालते हैं तो भी फंगस लगने का चांस होता है। वैसे भी नीम की खली दे रखी है, फंगस का कोई वो नहीं है, फिर भी मतलब सावधानी रखनी चाहिए।
तो देखिए इस तरह से मतलब मेरे प्लांट्स में किस तरह से फूल खिले हुए हैं। दूसरे दिन भी डेली ऐसे फूल खिलते हैं, मतलब मैं तो देख के बहुत खुश होती हूँ। तो ये जो मेरा मतलब प्लांट है ये जरा सी मतलब कटिंग से मैंने लगाई थी, और देखिए ऐसे भी मौसम अच्छा है, बारिश का मौसम है, अगर आप कटिंग लगाना चाहते हो कटिंग लगा सकते हो। तो कटिंग लगाने के लिए भी ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, तो इसकी कटिंग जरा सी कटिंग लगा दो तो आपका जो है मतलब भर जाएगा पूरा आपका गार्डन। तो उसके बाद देखिए ये मैंने मिक्स कर लिया है, उसके बाद मैंने ले लिया है आधा पानी ले लिया है। तो जब भी आप मतलब खाद देते हो उसको डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है, तो जितना आप खाद लेते हो उससे दुगनी जो है पानी मिक्स करना ज़रूरी होता है। जितना आप पतला खाद देते हो प्लांट जो है आपका उतना मतलब अच्छा ग्रोथ करता है। तो देख लीजिए इसमें मैंने 1 लीटर करीब मेरा डिब्बा है, तो मैंने जो है ये आधे लीटर के करीब मैंने पानी ले लिया है, और इसमें जो है ये आधे लीटर से भी कम जो है मैं ये फर्टिलाइज़र जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें मिक्स करूँगी। तो देखिए ये मिक्स करूँगी, तो मैं तो इसे हर 15 दिन में एक बार, आप चाहे तो इसके मतलब केले के छिलके से साथ साथ आप अपने तो प्याज के छिलके भी दे सकते हो। मैंने भी आप लोगों से शेयर किया इससे पहले प्याज के छिलके का, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, एक जैसा फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ, प्लांट्स में चेंज कर करके देना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट्स में जो है फर्टिलाइज़र दे दिया है, क्योंकि ये मौसम जो है बहुत ही अच्छा है, इस मौसम में फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेरा छोटा सा मतलब छोटा उसमें उसमें मैंने लगा रखा था, एक तो है ये जो है आपका वो जो फ्लैश होते फ्लैश की टंकी का ढक्कन है इसके ऊपर लगा रखा है मैंने, और एक तेल के डिब्बे में छोटा सा, देखिए छोटा सा है तेल के डिब्बे में, और ये जो मतलब मिठाई वगैरह आते हैं तो उसमें मैंने लगा रखा है छोटे से, उसमें तो देखिए पूरा भर गया है जरा सी कटिंग से भी। तो देखिए इस तरह से मेरा जो मतलब ये जरा सी पॉर्चुली का मॉस रोज जो है कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मतलब फूल कलियां भरे हुए हैं। ये देखिए दूसरे दिन की कलियां है, मैं ऐसे मैं तोड़ के फेंक देती हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर मतलब तोड़ते रहे, तोड़ने से ही जो है आपकी नई नई ग्रोथ आएगी, नई नई कलियां बनेगी, और उसके जो है फूल और कलियां उस वो भी आपके इससे ज़्यादा बनते हैं। तो गाइस देखिए इस तरह से आप भी अपने पोर्चुलिका मॉस रोज और पटुलिका जो भी आप मतलब कई नाम होते हैं इसके, तो आप लोग भी इस तरह से मतलब अपने प्लांट्स में जो है खाद दीजिए, और देखिए इस तरह से मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद दिल से।